हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका एक न्यू डिफेंस रिलेटेड वीडियो में। दोस्तों, चीन के साथ हुए तनाव को देखते हुए भारत ने लद्दाख के अंदर अपने स्पेशल फोर्सेस, जिनमें पैरा कमांडो और एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो की तैनाती की हुई थी, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत ने अब अपने मरीन कमांडो, जिन्हें मार्कोस कमांडो भी कहा जाता है, उनकी तैनाती शुरू कर दी है। दोस्तों, मरीन कमांडो की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मार्कोस कमांडो का इस्तेमाल सिर्फ स्पेशल ऑपरेशंस के लिए होता है और इन्हें नेवी में जो स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं उनमें इन्हें महारत हासिल है और इन्हें इनविजिबल फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें बहुत ही कम देखा जाता है। ये आप सीक्रेट रूप से अपने मिशनों को अंजाम देते हैं और इनका जो मोटो है, द फ्यू द फेयरलेस, ये इनका मोटो है। दोस्तों, नौसेना के 1000 सैनिकों में से एक सैनिक को मार्कोस कमांडो के लिए सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है और इन्हें स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ही बुलाया जाता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या मुंबई आतंकी हमला या फिर किसी भी आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए मार्कोस कमांडो को बुलाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मार्कोस कमांडो बनना यूं ही आसान काम नहीं है। इसकी ट्रेनिंग 2.5 से 3 साल की होती है और जो भारत के जितने भी स्पेशल कमांडो फोर्सेज हैं उनमें से ये सबसे खास है, जैसे आर्मी की पैरा कमांडो फोर्स, एयरफोर्स की गरुड़ कमांडो फोर्स, इसी तर्ज पर नेवी के लिए ये मार्कोस कमांडो फोर्स है और इन्हें सबसे खतरनाक कमांडो भी कहा जाता है। दोस्तों, अब मार्कोस कमांडो की तैनाती लद्दाख में चीन से लगी सीमा पर पेंगोंग लेक के पास की गई है और इनके लिए एक स्पेशल बोट्स का इंतजाम किया गया है, जिससे ये पेंगोंग लेक पर चीन की हर गतिविधियों पर नज़र रख सकें और किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम हो, क्योंकि चीन ने भी भारत से लगी सीमा पर अपनी स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की है। इसलिए भारत ने अपने हर खतरे से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारियों को अंजाम दिया है और इससे चीन की घुसपैठ की साजिशों को नाकाम किया जा सकेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।